वेलकम पीपल दिस इज यूपीएससी कनेक्ट सो लेसन इज ऑन जलियम वाला बाग खिलाफत मूवमेंट एंड नॉन कॉपरेशन मूवमेंट अंडर द कोर्स ऑफ गांधी एन इरा दस्ट सब टॉपिकलीम वाला बाग मैसे व्हिच हैपन इन अप्रैल थर्टीन नाइन सो जैसे पहले कहा था कि पंजाब में काफी रिवोल्ट हो रहे थे एट दैट टाइम सो उस टाइम के जो कांग्रेस के इंडियन इंडिपेंडेंस जो लीडर्स थे जैसे डॉक्टर सैफुद्दीन किचलू और डॉक्टर सत्यपाल तो इनको अरेस्ट किया था ब्रिटिशर्स ने एंड देन दे सेंड टू देज या फिर सीक्रेट लोकेशन सो ऑन बैसाखी डे लार्ज नंबर ऑफ पीपल अराउंड ट्वेंटी थाउजेंड टू ट्वेंटी फाइव थाउजेंड गैदर्ड अराउंड अ पार्क नोन एस जलियम वाला बाग सो इन ऑर्डर टू शो द प्रोटेस्ट अगेंस्ट द अरेस्ट ऑफ द लीडर्स बट थर्टींथ एप्रिल इससे पहले जनरल डायर ने एक मार्शल लॉ पास किया था अकॉर्डिंग टू इट एनी पब्लिक मीटिंग और प्रोसीडिंग विच इंक्लूड्स फोर और मोर पीपल देव ए बैंड बट ये जो पूरा लॉ था जो पास किया था इट दैट लॉ वॉज नॉट वेल इन्फॉर्म टू द मासिक बहुत कम लोगों की इन्फॉर्मेशन थी सो so, ऑन बैसाखी डे थर्टींथ एप्रिल दे, दे, दे गैदर्ड इन ऑर्डर टू तो शो दपोर्ट और प्रोटेस्ट अगेंस्ट द लीडर्स अरेस्ट बट जैसे ही जनरल डायर को ये इस प्रोटेस्ट के बारे में पता चला सो ही ऑर्डर द ट्रूप इन ऑर्डर टू सराउंड गैदरिंग एंड ब्लॉक द ओनली एग्जिट पॉइंट एंड देन ही ऑर्डर टू ओपन फायर ऑन द क्राउड विच लेड टू द किलिंग ऑफ सेवरल एंड मेनी इनसेंट पीपल गांधी जी ने इस पूरे इंसिडेंट को एज हिमालयन ब्लंडर कहा था बिकॉज ही सेट दैट इफ यू हैड नो ऑप्शन इन ऑर्डर टू रिटेलिएट यू कुर नॉन वायलेंस तो उनको ऐसा फील हुआ था कि वो भी इस पूरे इवेंट का एक पार्ट रहे थे दैट्स वाई कॉल इट इज अयन ब्लंडर एंड ही इमीडिएटली कॉल्ड ऑफ द सत्याग्रह रविंद्रनाथ टैगोर ही रिनाउंस हिज नाइटहुड एंड गांधी जी लेटर रिटर्न द कैसे हिंद Which is actually a gold medal, which was given to him by Lord Harding for his work during the Boer War, especially by participating in the ambulance services in South Africa. The next subtopic here is Khilafat and Non-Cooperation Movement. It all started with the attack by England on Turkey in 1914. Muslims. जो टर्की के सुल्तान को वो कैलिफ कहते थे और वो उनके स्पिरिचुअल लीडर्स हुआ करते थे सो विद दिस अटैक दे आर कंसीडरिंग इट एज़ अ रिलीजियस वॉर और इसके साथ-साथ सेवरल प्रो टर्किश लीडर्स उनको अरेस्ट एज़ वेल एज़ इम्प्रेसन किया गया था विद द डिफीट ऑफ टर्की एक इम्प्रेशन क्रिएट हो गया था ऑन अ ग्लोब ऑन अ ग्लोबल लेवल ऑफ इस्लाम इन डेंजर और इस टर्म को ये लोग यूज करना चाहते थे सो एज टू मोबिलाईज मास अगेंस्ट दिस अटैक आफ्टर सीइंग दिस द मुस्लिम लीग एट इट्स दिल्ली सेशन ऑन 1918, दे डिसाइडेड दैट दे विल फॉर्म अ सेंट्रल खिलाफत कमिटी और इसके साथ साथ उसके लिए खिलाफत मूवमेंट की ग्राउंड भी प्रिपेयर हो गई थी बट इट वॉज एक्चुअली फॉर्म एट बॉम्बे इन नाइनटीन ओनली तीन डिमांड सीन की फर्स्ट कि कैलिफ मस्ट रिटीन मुस्लिम होली प्लेसेस एंड सेकेंड इज दैट जो वॉर से टेरिटरीज हैं वो रिस्टोर किया जाए एंड थर्ड इज दैट जजीरत उल अरब जो टेरिटरीज हैं जैसे कि सऊदी अरब सीरिया इराक एंड पेलेस्तीन इन टेरिटरीज इनको एक नॉन मुस्लिम रूलर को ना दिया जाए ओनली मुस्लिम रूलर शुड बी गिवन दीज जजीरत उल अरब प्लेसेस एंड दिस खिलाफत मूवमेंट ये एक पैन इस्लामिक मूवमेंट था बट इसका कोई भी डायरेक्ट लिंक नहीं था इंडियन पोलिटिकल इशू से सो द लीडर्स दे वॉन्टेड टू यूज दिस इवेंट एज ए सिंबल ऑफ यूनिटी ताकि वो मुस्लिम सोसाइटी को मेन स्ट्रीम रिवोल्ट में, में लेके आ सके बिकॉज दे वर नॉट दैट मच इन्वॉल्व इन द इंडिपेंडेंस रिवोल्ट वो उस गैप को फिल करना चाहते थे इस इवेंट के थ्रू गांधी जी इस इवेंट को एज अपॉर्चुनिटी कंसिडर करना चाहते थे ताकि वो हिंदू एंड मुस्लिम ब्रदर्स एंड सिस्टर्स को वो एक साथ कनेक्ट करे और साथ ही साथ मुस्लिम को इंडियन पॉलिटिकल लाइफ की मेन स्ट्रीम में वो लेके आना चाहते थे द ट्रीटी ऑफ सेवरेस्ट वॉज साइंड इन मई 1920 और उसी महीने में हंटर कमीशन रिपोर्ट का आउटपुट आ गया था बट दैट रिपोर्ट इट मेड द इंडियन मास्टर्स वायलेंट एंड एंग्री बिकॉज उस रिपोर्ट ने जनरल डायर को पनिश नहीं किया गया था फॉर हिस इनहूमन एक्शन इन जलियमवाला बाग मैसेको द हाउस ऑफ कॉमन्स विच वॉज अ लोअर हाउस ऑफ ब्रिटिश पार्लियामेंट उसने सिर्फ उसको फोर्सफुली रिटायर करने के लिए बोला था एंड वेन यू वेंट टू इंग्लैंड ही वॉज अ सेलिब्रेटेड हीरो अमॉन्ग द मासस एंड ही वॉज ऑल्सो अपलॉडेड इन द हाउस ऑफ लॉर्ड्स दैट वॉज अ अपर बॉडी इन द ब्रिटिश पार्लियामेंट बट हाउस ऑफ कॉमन्स में वो अनपॉपुलर था द सेंट्रल खिलाफ कमिटी इट मेट एट अलाहाबाद इन जून नाइनटीन ट्वेंटी एंड देर इट गेव लीडरशिप टू महात्मा गांधी सो एज टू स्टार्ट द नॉन कॉपरेशन मूवमेंट गांधी ने यह डिसाइड किया जो नॉन कॉपरेशन मूवमेंट है एनसीएफ इट विल स्टार्ट ऑन फर्स्ट ऑगस्ट नाइनटीन ट्वेंटी एंड दिस डेट इट लेटर बिकेम सक्सेस विदाइडिंग ऑफ द डेथ ऑफ On the same date, later Gandhi appealed to the Congress to start non-cooperation movement on three major issues. First, Punjab injustice, that is linked with the Jallianwala Bagh massacre. Second is the Khilafat movement, and third is the demand for Swaraj. In the weekly newspaper of Young India, which was actually published by Mahatma Gandhi, he once wrote an article. ट दैट की नॉन कॉपरेशन मूवमेंट अगर सक्सेसफुल हो देन इट वुड गिव स्वराज विद इन अयर बट उन्होंने स्वराज को कभी एक्चुअली डिफाइन नहीं किया था सेट द सेम स्टेटमेंट इन द स्पेशल सेशन एट कैलकाटा ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस इन नाइनटीन ट्वेंटी जहां पे उन्होंने जब यह कहा था तो उनको स्ट्रांग ऑपोजिशन फेस करना पड़ा फ्रॉम सी आर दास बट ये जो ऑपोजिशन था मेल्ट अवे हो गया एट नागपुर सेशन द रेगुलर सेशन ऑफ इंटरनेशनल कांग्रेस वहां पे इट वाज एक्चुअली सी आर दास ऑफ इंटरनेशनल कांग्रेस हैड सेवरल फीचर्स। फर्स्टली इट वाज द बिगेस्ट सेशन इन द कांग्रेस हिस्ट्री एंड कांग्रेस की डे टू डे वर्किंग के लिए एक कांग्रेस वर्किंग कमेटी फॉर्म किया गया एंड इन दैट सेशन गांधी जी ने एक न्यू कॉन्स्टिट्यूशन कांग्रेस के लिए ड्राफ्ट किया गया पहले जो ऑब्जेक्टिव था कांग्रेस की वो ये थी कि सेल्फ गवर्नमेंट अटेन हो बाय कॉन्स्टिट्यूशनल एज वेल एज लीगल मीन्स बट नाउ द न्यू एम ऑफ कांग्रेस इज टू अटेन स्वराज बाय लेजिटिमेट एंड पीसफुल मीन्स मेंबरशिप फीस को कम किया गया अपू फोरअना ताकि मोर एंड मोर मेंबर्स कुड ज्वाइन आई एन कांग्रेस और इस ड्राफ्टिंग इस ड्राफ्ट uh, के अडॉप्शन की वजह से नॉन कॉपरेशन मूवमेंट एक इनिशिएशन को नॉन कॉपरेशन मूवमेंट को एक इनिशिएशन मिला विच स्टार्टेड विथ खिलाफत मूवमेंट एंड इन द अपकमिंग ईयर ऑफ 1921 ट्वेंटी वन एंड नाइनटीन ट्वेंटी टू काफी रिवोल्ट एट डिफरेंट प्लेसेस इंडिया ने देखा नाउ लेट्स फोकस अपॉन द सिग्निफिकेंस ऑफ नॉन कॉपरेशन मूवमेंट जैसे जैसे नॉन कॉपरेशन मूवमेंट स्प्रेड होता गया गांधी इमर्ज होते गए ही बिकेम अनडिस्प्यूटेड लीडर ऑफ द पैन इंडिया और काफी फेमस आइडियोलॉजी और डोमिनेंट आइडियोलॉजी हो गई थी उस टाइम पे क्योंकि उन्होंने नेशनल स्ट्रगल में उन्होंने सारे मासस को वो लेके आ गए थे विच इंक्लूडेड वर्कर्स कैपिटलिस्ट पीजें जमींदार लॉयर स्टूडेंट एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली वुमन फ्रॉम सारे सेक्शन में से वो सबको उठा के हमारे नेशनल स्ट्रगल में वो लेके आ गए थे दैट्स वाई ही वॉज द अनडिस्प्यूटेड लीडर एट दैट टाइम एंड इसी के साथ साथ ये एक पहली बार एक नेशनल मूवमेंट इंडिया ने देखा विच इंक्लूडेड अ मल्टी क्लास मास मूवमेंट सारे लोग फ्रॉम एवरी सेक्शन दे ज्वाइन दिस मूवमेंट एंड इट वॉज फॉर द फर्स्ट टाइम दैट नेशनल मूवमेंट ये जो कांग्रेस ने लॉन्च किया था इन्होंने ऐसे ऐसे रीजन को छुआ जो कि पहले कभी नेशनल मूवमेंट में ज्वाइन नहीं किया गया था फॉर एग्जाम्पल बिजोलिया मूवमेंट इन मेवार विच इज एक्चुअली इन चित्तौड़गढ़ राजस्थान एंड ऑल्सो भील मूवमेंट अंडर मोतीलाल तेजावत इसी टाइम में ईस्टर्न यूपी में अग्रेरियन राइट्स हो रहे थे फार्मर राइट्स हो रहे थे एक्चुअली बाय बाबा रामचंद्र देव इनको बाबा इसलिए कहते थे क्योंकि ही ऑलवेज कैरीड रामचंद्र मानस इन ऑर्डर टू स्टेल स्टोरीज टू पीजेंट्स ऑफ़ फार्मर्स। 1921 में मदारी पासी ने सेंट्रल यूपी के जो पीजेंट्स या फिर फार्मर्स थे उनको ऑर्गेनाइज किया और एक मूवमेंट स्टार्ट की जिसको कहते थे एका मूवमेंट जैसे जैसे नॉन कॉपरेशन मूवमेंट स्प्रेड होता गया बॉयकॉटिंग ऑफ फॉरेन गुड्स भी स्प्रेड हो गया और इसकी वजह से बहुत सारे नेशनल स्कूल्स एंड कॉलेजेस ओपन हुए जिसके अंदर काशी विद्यापीठ गुजरात विद्यापीठ और जामिया मिलिया इस्लामिया भी ओपन हो गए थे इस नॉन कॉपरेशन मूवमेंट का जो मेन या फिर स्ट्राइकिंग फीचर जो था वो था हिंदू मुस्लिम यूनिटी और इसके साथ साथ के इश्यू को भी सबसे आगे रखा गया बॉयकॉट ऑफ फॉरेन गुड्स की वजह से जो इंपोर्टेड गुड्स थी उनकी वैल्यू काफी डिक्रीज होगी एंड सिमिलर ट्रेंड ऑल्सो कंटिन्यूट विद द एंटी लीकर कैंपेन जिसके वजह से काफी एक्साइज का लॉस हुआ इन पंजाब तमिलनाडु बिहार एज वेल एज इन उड़ीसा और इसी टाइम में कांग्रेस लीडर्स ने अपना फुल सपोर्ट दिखाया अकाली मूवमेंट में एंड दिस मूवमेंट इट वॉज लॉन्च बाई एक्चुअली सिख पीपल ताकि वो गुरुद्वारा का फुल कंट्रोल ले सके फ्रॉम द करप्ट मस जो की गुरुद्वारा में थे द स्पिरिट ऑफ डिफाइंस एंड अंड्रेस्ट इसके वजह से बहुत सारे लोकल स्ट्रगल्स आ गए थे जैसे अवध किसान मूवमेंट इन यूपी एज वेल एस इन मोपला रिवोल्ट विच हैपन इन मलबा केरला एंड ऑल्सो सिक एजुटेशन फॉर द रिमूवल ऑफ मस इन पंजाब एज सेट अर्यर नाउ द नेक्स्ट सब टॉपिक हेर इौरी चौरा इंसिडेंट चौरी चौरा एक स्मॉल विलेज है जो की यूपी के गोरखपुर डिस्ट्रिक्ट में है Which got very famous to a very violent incident that happened on 5th February 1922. जिसकी वजह से गांधी जी ने पूरे नॉन कॉपरेशन मूवमेंट को बहुत जल्द ही विद्रो किया नाउ लेट्स कुछ ग्रुप ऑफ वॉलेंटियर्स ने कैंपेन किया अगेंस्ट लिकर सेल्स एंड हाई फूड प्राइसेस तो फिर पुलिस ने उस ग्रुप के लीडर को बीटअप किया एंड क्राउड थी उन्होंने पूरे पुलिस स्टेशन के बाहर ही आके बैठ के धरना स्टार्ट किया एंड अपॉन सींग द प्रोटेस्ट द पुलिस ओपन फायर अपॉन द क्राउड जिसकी वजह से क्राउड बहुत एजिटेटेड वायलेंट और एंग्रीसी हो गई एंड फिर पूरे क्राउड ने पूरे पुलिस स्टेशन को ही आग में लगा दिया और जितने भी पुलिस मैन थे जो भाग रहे थे उस आग से उन सब पुलिस मैन को पकड़ के फिर उस जल्दी हुई पुलिस स्टेशन में डाल दिया अराउंड ट्वेंटी टू पुलिस मैन विल्ड इन दिस वायलेंट इंसिडेंट गांधी जी वॉज नॉट एट ऑल हैप्पी विद दिस इंक्रीजिंग वायलेंट ट्रेंड ऑफ मूवमेंट और उन्होंने बहुत जल्दी पूरे नॉन कॉपरेशन मूवमेंट को वापस किया लिया कांग्रेस वर्किंग कमेटी जो कि कांग्रेस की डे टू डे वर्किंग बेसिस के लिए बिठाया गया था इट मेट एट बर्दोली इन फेबर 1922 ट्वेंटी और उन्होंने ये रेजोल्यूशन कि पास किया कि वो सारी एक्टिविटी को बंद करेंगे जो कि लॉ को ब्रेक करता है बट दिस

इंसिडेंट जैसे चौरी चौरा लोगों के ट्रू वायलेंट नेचर को दिखाता है उनके एक्सट्रीमिस्ट नेचर को वो एक्सप्रेस करता है एंड अकॉर्डिंग टू हिम अ वायलेंट मूवमेंट कुड इजली बी सप्रेस्ड बाय द आर्म्ड माइट ऑफ द स्टेट और ईस्ट इंडिया कंपनी अगेंस्ट दिस वायलेंट नेचर ऑफ द प्रोटेस्टर्स नाउ द नेक्स्ट सब टॉपिक द वीकनेस ऑफ नॉन कॉपरेशन मूवमेंट एस मेनी कम्यूनल राइट है थ्रू मोपला रेबेलियन ऐसा रेबिलियन जो स्टार्ट हुआ था एज अ फाइट अगेंस्ट ब्रिटिशर्स बट इट एंडेड अप एज अ फाइट अगेंस्ट टू कम्युनिटीज दट इज हिंदूज एंड मुस्लिम्स, मुस्लिम्स व अक्यूजिंग हिंदू वो ये कह रहे थे कि हिंदूज व सपोर्टिंग पुलिस इन ऑर्डर टू सप्रेस अबिलियन सो इसके वजह से यह जो रेबिलियन था इट एंडेड अब एज अ लार्ज स्केल मैसेकर एंड अटैक अगेंस्ट दीज टू कम्युनिटीज अगर बॉयकॉट मूवमेंट सक्सेसफुल होना है देन देर शुड बी लार्ज नंबर ऑफ इंडियन स्कूल एंड कॉलेजेस बट उनकी क्वांटिटी बहुत कम थी दैट्स वाई इन नागपुर डिविजन एंड मेनी प्लेसेस नियर टू इट स्टूडेंट वे फोर्स्ड टू रिटर्न टू गवर्नमेंट स्कूल एंड कॉलेजेस और यही ट्रेंड कंटिन्यू हुआ मिडिल क्लास सोसाइटी में और जितने भी लॉयर्स थे जिन्होंने अपनी लीगल प्रैक्टिस छोड़ दी थी दे रिटर्न अ वेरी इंपॉर्टेंट इंसिडेंट हैपन इन द लाइफ ऑफ गांधी वाइल ट्रेवलिंग बाई ट्रेन फ्रॉम मद्रास टू मदुराई ही नोटेड दैट कि बहुत सारे लोग बड़े फॉरिन क्लोथ वेयर कर रहे थे तो उनको, उनको रिक्वेस्ट किया कि वो खादी वेयर करें बट दे डिक्लाइन और उन्होंने ये कहा कि खादी वॉज कॉस्टली फॉर दैन दे कूडेंट अफोर्ड एंड आफ्टर रियलाइजिंग दिस सिटन ही वोर ओनली धोती फ्रॉम दैट इंसिडेंट क्योंकि धोती वील वुड बी अफोर्डेबल फॉर इंडियन मासस नाउ ट एस इवेल्युएट द खिलाफत एज वेल एज द नॉन कॉपरेशन मूवमेंट ये जो मूवमेंट था इन्होंने अर्बन मुस्लिम्स को वो नेशनल मूवमेंट पे तो लेके आ गई थी बट एट द सेम टाइम नेशनल पॉलिटिक्स में भी आ गया था मुस्लिम सेंटिमेंट स्टार्ट तो हुआ था अगेंस्ट ब्रिटिशर्स विदी इम्पीरियलिस्ट फीलिंग या फिर एंटी कॉलोनियलिस्ट फीलिंग बट नेशनल लीडर्स जो वो जो फीलिंग थी उस फीलिंग को एक सेक्युलर थिंकिंग नहीं दे पाए थे इट कूडेंट और इट फेल टू रेज द रिलीजियस पॉलिटिकल कॉन्शियसनेस ऑफ मुस्लिम्स टू द लेवल ऑफ सेक्युलर पॉलिटिकल कॉन्शियसनेस जो कॉलोनी थी ईस्ट इंडिया कंपनी की मेनली दो पावर्स थे या फिर जो दो मिथ थे तो ये थे फर्स्ट ये था कि जो वो जो रूलिंग कर रहे थे इट वॉज ऑन द इन द इंटरेस्ट ऑफ इंडियंस एंड सेकेंड द ईस्ट इंडिया कंपनी वॉज इन्विंसिबल जो पहली मिथ थी वो तो बिल्कुल चकनाचूर हो गई थी बाई द इकोनॉमिक क्रिटिक बाय सेवरल मॉडरेट नेशनलिस्ट द सेकेंड मिथ इट हैड बीन चैलेंज बाय सत्याग्रह थ्रू मास्ट्रगण मतलब वो इन्विंसिबल जो मिथ था वो पूरा ब्रेक हो गया था दे कैन बी ब्रोकन इवन जस्ट बाय सत्याग्रह और इसके वजह से मासस को एक जो उनके अंदर जो पहले से बनी हुई फियर थी वो खत्म हो गया इस पूरे मूवमेंट की वजह से सो दैट्स ऑल फॉर दिस लेसन थैंक यू फॉर वॉचिंग विल टॉक टू गायज नेक्स्ट लेसन टिल देन हैव अ नाइस डे